पंचिका पढ़ के आई है? क्या पढ़ के आई है बता, सब पढ़ लिए तूने अच्छे से? ठीक है। और जो थियोरिटिकल टॉपिक कहा था मैंने आप लोगों से, हाँ अच्छा उसमें ऐप में, ठीक है करें स्टार्ट बच्चों। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस तो है हमारे पास में, मतलब मैंने आपके सामने आपके लिए बनाई है प्रॉब्लम्स, और कुछ सवाल हम ऐसा करेंगे कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बताऊंगा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास में, ये पार्ट सेकंड के हैं, पता है ना? सेकंड पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कितने टाइप का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, दो, सीरीज एंड किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज पढ़ेंगे और पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो प्रॉब्लम नंबर वन है हमारे पास में ये, देखो बेटा प्रॉब्लम नंबर वन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। अ 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 200 वोल्ट बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 38 ओम एज शो इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, सर्किट तुम्हारे सामने है, अच्छा क्वेश्चन है यार, सीबीएसई में पूछ रखा है 2 नंबर में, तो यही है कि हमें हमारा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो जरूर क्लियर करेगा। ठीक है, एक सेल ये है और एक सेल ये है, बड़े वाला टर्मिनल कहलाता है पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल कहलाएगा नेगेटिव, बड़ा टर्मिनल है पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल है नेगेटिव। ठीक है, और देखो एक ही वायर से कनेक्ट है दोनों, है ना, दोनों एक ही वायर से कनेक्ट, वायर पूरा यहां से चला, यहां से घूमकर, यहां से घूमकर यहां वापस आ गया, है वायर में कनेक्ट, यानी इनका ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। देखो पॉजिटिव टर्मिनल इस सेल का, ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से ही कनेक्ट है ना, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है तो आप ईएमएफ को माइनस करेंगे, और बड़े ईएमएफ में से छोटे ईएमएफ को माइनस करेंगे, और जो डायरेक्शन रखेंगे वो बड़े ईएमएफ के अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है, अब बताओ दोनों बैटरीज में से बड़ी बैटरी कौन है, बड़ी सेल कौन है, 200 वोल्ट वाली है और ये कम है, समझ में आ रही बात, तो माइनस क्यों करेंगे, समझ चुके हो क्यों करेंगे माइनस, क्योंकि एक जैसे टर्मिनल कनेक्टेड है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो 200 वोल्ट में से हम माइनस करेंगे 10 वोल्ट को, क्या बचेगा बेटा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा 190 वोल्ट, बचेगा हमारे पास में 190 वोल्ट। पहला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, छोटा टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव, समझ चुके हो 190 कैसे आया, डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, अच्छा सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी है, बताइए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस है बेटा आपके पास में 38 ओम, क्लियर, एनी डाउट? अब बताओ सर्किट में क्या क्या बचा आपके पास में, एक तो बैटरी बची, एक सेल बची जिसका वोल्टेज है 190, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 38, सो सिंपल पॉजिटिव से करंट निकलेगी और ऐसे घूमते हुए, यहां से घूमते हुए कहां पहुंच जाएगी, नेगेटिव पर, और करंट की जो वैल्यू आपके पास में होगी वो होगी 190 अपॉन 38 एम्पियर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सो इतनी करंट पास हो रही है बेटा हमारी, इतनी करंट हमारी पास हो रही है, करंट की वैल्यू है 190 अपॉन 38। देखो ये जो करंट निकली है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकली है, और यहां से निकलकर ऐसे एंटर करेगी, यहां से निकलकर, यहां से निकलकर ऐसे वापस आएगी, समझ में आ रही बात, करंट जो पास हो रही है ना बेटा ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हो रही है, समझ रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हो रही है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, हमने माना पॉजिटिव से जो करंट निकली है वो आई है, नेगेटिव पर जो करंट एंटर कर रही है वो आई है, यहां जो करंट है वो भी आई है, ये करंट आई है, आई की वैल्यू पहले मैं आपके सामने लिख चुका हूं। एक बात बताइए, जब किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है तो उसे हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ, और यहां जब पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करती है तो उसे हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ सेल। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इन दोनों बैटरी में से कौन सी बैटरी हो रही है डिस्चार्ज और कौन सी हो रही है चार्ज, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है ये तो हो रही है डिस्चार्ज, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है ये हो रही है चार्ज। यहां पूछा जाएगा आपसे टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी,
समझ में आ रही बात? यहां टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, ये देखो यहां टर्मिनल वोल्ट क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, जल्दी बोलो, समझ में आ रही बात? तो हमारे पास में फॉर्मूला होगा वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और यहां कितना होगा, वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ये टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है जब सेल डिस्चार्ज हो, और ये फॉर्मूला है जब सेल चार्ज हो। अब आप देखो ई कितना होगा बेटा आपके पास में, इस बैटरी का ईएमएफ कितना है ये बताइए, इस बैटरी का ईएमएफ है 200 वोल्ट, करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है 190/38। क्या इस सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया गया है? अगर हम इसे इंटरनल रेजिस्टेंस माने इस सेल का, तो स्मॉल आर की जगह रख देंगे 38, और अगर ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो कुछ नहीं रखने की जरूरत है, स्मॉल आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जितना वी होगा उतना ही ई होगा, समझ में आ रही बात? ऐसे ही यहां पर वी इक्वल टू ई प्लस आई आर, बताइए इस बैटरी का ईएमएफ कितना है 10, करंट कितनी है 190/38, समझ में आ रही बात? और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, जीरो, अगर गिवन नहीं है तो जीरो ही होगा, समझ में आ रही बात? वैल्यू पुट करेंगे दोनों का टर्मिनल वोल्टेज निकल जाएगा, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? करंट की डायरेक्शन हमने कैसे निकाली और करंट की वैल्यू हमने कैसे निकाली? पहले सारी बैटरी बैटरी को कनेक्ट करके ना हमने एक बैटरी बना दी, एक रेजिस्टेंस बना दिया। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 190, रेजिस्टेंस कितना है 38, बना दी करंट की वैल्यू। करंट कहां से निकलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से, और कहां एंटर करेगी, यानी करंट ऐसे पास हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है करंट ऐसे पास। अगर करंट यहां से निकल रही है, ये हो रही है डिस्चार्ज, और करंट यहां एंटर कर रही है, तो ये क्या हो रही है, चार्ज, समझ में आ रही बात? ये हो गया डिस्चार्जिंग ऑफ सेल और ये हो गया चार्जिंग ऑफ सेल, क्लियर? ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन अगर करना है तो। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास में सेल के, आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। आंसर निकाल लेना बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहले सवाल पढ़ लेते हैं फिर सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा मैं आपके सामने और कुछ नहीं। टू सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। देखो ये जो सेल है ना बेटा ये है 10 वोल्ट की, दिख रही है आप लोगों को, और ये सेल कितने वोल्ट की है 2 वोल्ट। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितने दे रखे हैं, जिस सेल का वोल्टेज 10 वोल्ट है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, क्लियर है? कोई परेशानी हो तो बता देना आप हमें। आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शो इन द फिगर, फाइंड द इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस आर। आपको आर के अक्रॉस ना इफेक्टिव वोल्टेज बताना है कितना होगा, वेरी इजी, बहुत आसान है। अब देखो हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है, पूरा तामझाम हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर दिया है, अब सीधा हम फोकस करते हैं यहां पर। और देखो बेटा कैसे हम आंसर बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। यार मुझे एक बात बताओ आप, ये 10 वोल्ट ये 10 ओम, मैंने ना इसे कुछ ऐसे लिख दिया, ओए इधर आ, कल क्या कहा था मैंने, क्या कहा था कल मैंने, टाइम से आना है क्लास में, प्लस माइनस 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। अब आइए इस सेल पर,
कैसा है बेटा ये सेल बताओ जरा, पहले क्या है नेगेटिव और फिर क्या है। मैं थोड़ा सा ना सही से करके लिख रहा हूँ, इस वाली ब्रांच को मैंने ऊपर लिख दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा और आसान करने के लिए इस ब्रांच को पहले लिख दिया, इस ब्रांच को यहाँ लिख रहा हूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ठीक है, और इसके साथ में है 5 ओम, ये है इसके साथ में 5 ओम, और इसका वोल्टेज कितना हमें दे रखा था भैया 2 वोल्ट, और यहाँ हमें दे रखा है एक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है कैपिटल आर। क्लियर है ना इतनी बात सभी लोगों को। ये बताओ जरा मुझे ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में है या नहीं है, देख के बताओ पैरेलल में है या नहीं है। जब दो सेल आपस में पैरेलल में होती है ना, तो उन दोनों ब्रांच को एक ब्रांच बनाने का तरीका क्या है, दो ब्रांच को कंबाइन करके एक ब्रांच बनाने का तरीका क्या है। जब दो सेल आपके पास में पैरेलल में होगी बेटा, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका देखो क्या है आपके पास में, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमारे पास में इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला है अगर दो सेल हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मैंने कल जल्दी आने के लिए कहा, कहां पर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। हम वैल्यू पुट करते हैं सीधा यहां पर बेटा, इस वाली सेल का ईएमएफ हम लोगों ने कितना लेट किया 10 वोल्ट, जल्दी बताओ कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो E1 की जगह आएगा 10 प्लस के 10, इंटरनल रेजिस्टेंस है 10, क्लियर। ये बताइए इस सेल का ईएमएफ कितना है, लेकिन ये 2 वोल्ट मैं इस बार नेगेटिव में लेने वाला हूं, क्यों लेने वाला हूं नेगेटिव में, इसमें पहले क्या था प्लस और ये क्या है, तो मैंने इसे पॉजिटिव ले लिया, इसमें पहले क्या है नेगेटिव और फिर क्या है, तो मैं इसे नेगेटिव में लूंगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को, तो यहां हम लिखेंगे माइनस के 2/5, माइनस के 2/, यहां क्या लिखना लिखने वाले हैं हम 1/10 प्लस 1/, जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं, दोनों सेल को मर्ज करके जो हमने एक सेल बनाई उसका ईएमएफ इतना रहने वाला है। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना निकलेगा ई इक्विवेलेंट हमारे पास में। सॉल्व करते हैं बेटा, 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10, ये हो गया 10 माइनस ये हो गया 4, ठीक है, नीचे है 10, ये हो गया अपने पास में 1 और ये हो गया 2, इससे ये कैंसिल आउट, 10 माइनस 4 6, 3 और 1 2 और 1 3, 6/3 कितना आएगा 2 वोल्ट, प्लस में आया माइनस में, प्लस में या माइनस में, जल्दी बोलो, हमने प्लस कौन से वाले को लिया था, इस वाले को लिया था या इस वाले को लिया था, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट में पहले पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, पहले पॉजिटिव होना चाहिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब इन दोनों सेल को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, जब इन दोनों सेल को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तो पहला जो टर्मिनल बनेगा हमारे पास में वो कैसा बनेगा, जल्दी बोलो, दूसरा टर्मिनल कैसा बनेगा, और इसका ईएमएफ कितना होगा 2 वोल्ट, जल्दी बोलो, समझ आया नहीं है, कोई परेशानी किसी को, गुड। अब मुझे एक बात बताइए, हमने सेल को तो आपस में जोड़ लिया, अब रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं, यहां का रेजिस्टेंस कितना है, यहां का कितना है, बताओ ये दोनों पैरेलल में है या नहीं है, अरे है या नहीं है, पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ने का तरीका क्या है आपके पास में, पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ने का तरीका है 1/R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5, एलसीएम कितना हुआ 10, 1+2, बेटा आर की वैल्यू निकल गई हमारे पास में 10/3 ओम, इतना तो मैं कर सकता हूं, समझ आ गई सभी लोगों को बात, पैरेलल में जोड़कर निकल गया 10/3 ओम, यानी हमने दो सेल को पैरेलल में जोड़ा तो ये फॉर्मूला है ईएमएफ निकालने का, इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा तो ये निकल गया 10/3 ओम, इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारे पास में कैपिटल आर, बताइए क्या जुड़ा हुआ है, कैपिटल आर, समझ में आ रही बात। हम लोगों ने क्या किया, पहले इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके एक बना दिया, ये बताओ बनाया या नहीं बनाया, समझ आ रही है सभी लोगों को बात, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को जोड़कर एक बना दिया ये कैपिटल आर। अब बताओ एक ही ब्रांच के अंदर कितनी बैटरी है और कितने रेजिस्टेंसेस हैं आपके पास में, एक ही ब्रांच के अंदर कितनी बैटरी है और कितने रेजिस्टेंसेस हैं, एक बैटरी है कितने वोल्ट की है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, बुद्धि खोलकर जवाब देना, सीरीज में है या नहीं है, क्योंकि पूरा वायर एक ही बन चुका है ना एक ही वायर, तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 10/3 प्लस कैपिटल आर, क्लियर। टोटल ईएमएफ कितना है हमारे पास में, टोटल ईएमएफ है हमारे पास में 2 वोल्ट, अरे है या नहीं है बेटा,
ये दोनों सीरीज में हो गए तो दोनों को हमने सीरीज में सैंपल जोड़ दिया आर वन प्लस आर टू करके। बताओ करंट निकालने का तरीका क्या है? करंट निकालने का तरीका है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल रेजिस्टेंस ये है। करंट कहां से निकलेगी मुझे ये बताओ, पॉजिटिव टर्मिनल से। कहां से निकलेगी, यहां से होते हुए कहां पहुंचेगी जल्दी बताओ, यहां से होते हुए कहां पहुंचेगी, नेगेटिव टर्मिनल पर। बताओ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, समझ में आ रही बात? कितनी आएगी करंट की वैल्यू हमारे पास में, हमारे पास में करंट की वैल्यू आएगी, ईएमएफ कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में 10/3 प्लस कैपिटल आर। जल्दी बोलो बेटा है या नहीं है? अगर आपको निकालना है यहां वोल्टेज, क्या निकालना है, तो यहां करंट कितनी जा रही है मुझे ये बताइए आई, और यहां रेजिस्टेंस कितना है आर। अगर यहां वोल्टेज का ड्रॉप निकालना है तो करंट की मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस से करनी पड़ेगी, वोल्टेज का ड्रॉप निकल जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया, नोट डाउन करिए फटाफट। इसमें जो ये मेन बात है ना, जो आप लोगों को ये हमने बात समझाई है पैरेलल में कनेक्ट करने वाली, ये समझिए कि किरचॉफ्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को अगर आपने ये पैरेलल में कनेक्ट करना अच्छे तरीके से सीख लिया तो। ठीक है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसे प्लस में लिया इसे माइनस में लिया, और इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका ये है। अगर फाइनल आंसर प्लस में आया, फाइनल आंसर क्या आया तो इसके अकॉर्डिंग रखोगे, और अगर फाइनल आंसर माइनस में आया तो इसके अकॉर्डिंग रखोगे। समझ आ गया ना? आ गया समझ में? बढ़े आगे। अब आगे से अगर ऐसा सवाल आएगा तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना, बाकी अपने आप सॉल्व करना। ठीक है, चलो देखो आगे। ये पावर का है, अभी पावर का जो टॉपिक है ना उसका रिवीजन मैं आपको बिल्कुल अलग से कराऊंगा, पूरा कंप्लीट पढ़ाने के बाद में। पावर का सवाल अभी नहीं करा रहा हूं मैं आप लोगों को। एक टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और एक आता है पावर, उसका रिवीजन हम बिल्कुल अलग से लास्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इन दोनों से अलग टॉपिक है। देखो बेटा यह है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ दिख रहा है आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है। यह प्रॉब्लम है हमारी किसके ऊपर बेस्ड है बताइए, मीटर ब्रिज के ऊपर बेस्ड है, मीटर ब्रिज। ठीक है, अब एक बार प्रॉब्लम हम पढ़ लेते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम अ मीटर ब्रिज एज शो इन द बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट में ये हमारा मीटर ब्रिज शो हो रहा है बेटा। ठीक है, द मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, देखो यार ध्यान से बात सुनो, आपको दे रखा है कि क्या रेजिस्टेंस है, 1 ओम पर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 1 ओम है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स आपको निकालना है कितना होगा। ठीक है, और करंट बतानी है बैटरी के अंदर से ना कितनी करंट निकल रही है, ये जो 6 वोल्ट की बैटरी आप लोगों ने लगा रखी है ना इसमें से कितनी करंट बाहर निकल रही है अगर ये बैलेंस स्टेट में है। पहले तो मुझे ये बताओ कि बैलेंस स्टेट का मतलब क्या है। बैलेंस स्टेट का मतलब है ये क्या लगा रखा है हमने, गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो 0 है। बैलेंस स्टेट का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो 0 है। इसके रेजिस्टेंस का रेशो इसके साथ और इसके रेजिस्टेंस का रेशो इसके साथ क्या रहने वाला है, हमारा इक्वल रहने वाला है, हमें यहां बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है। तो एक्स को निकालना तो बहुत ही आसान है यार, कोई फॉर्मूले का यूज करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। एक्स को 3 से डिवाइड करो, 40 सेंटीमीटर को 60 सेंटीमीटर से डिवाइड करो, आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। क्या निकल कर आएगी एक्स की वैल्यू हमें ये बताइए, यहां से निकल कर आएगा एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 40/60। कैंसिल आउट, ये बन गया 2/3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू कितना बना बेटा जल्दी से बताओ, 2 ओम। जल्दी बताइए समझ आया नहीं आया, बहुत आसान है, x की वैल्यू निकल गई 3 ओम, निकल गई x की वैल्यू 3 ओम। ठीक है,
तो मैं x को यहां से रफ कर रहा हूं, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं सभी लोग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन काम इसके अंदर यह है कि बैटरी से करंट कितनी निकलेगी आपको यह बताना है, ठीक है। यह बताओ कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आई आप लोगों की, 3 ओम, 2 ओम, ठीक है। उसके बाद यहां साथ में को कितना ओम है, 3 ओम, ठीक है। नीचे कितना ओम है बेटा, हमने क्या किया देखो ध्यान से यार, हमने ना यहां पर कुछ ऐसे, ये प्लस ये माइनस, 60 वोल्ट की बैटरी है, हमने ये जो जे पॉइंट आपको दिख रहा है ना जिसे जॉकी बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और 1 ओम है 1 सेंटीमीटर में, तो 40 सेंटीमीटर में कितने ओम हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर में हो जाएगा 40 ओम, बताओ होगा या नहीं होगा। 60 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 1 ओम है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 ओम, वेरी इजी, कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, देखो ये बताओ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर है 6 वोल्ट और नेगेटिव टर्मिनल पर कितना होगा, नेगेटिव टर्मिनल पर होगा 0 वोल्ट, क्योंकि पूरा वोल्टेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर होता है। यहां से लेकर यहां तक कोई रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, यस और नो, यहां कितना होगा, यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, यहां भी कितना होगा, यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां भी कितना होगा, 6 वोल्ट। यानी जब तक रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं आएगा तब तक वोल्टेज कम नहीं होने वाला है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने वाला है। यहां कितना है, 0, यहां भी कितना है बेटा, यहां भी कितना है, यहां भी कितना है, बताओ समझ में आया नहीं आया। अब मुझे ये बताओ इस पूरी ब्रांच के अंदर वोल्टेज कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, इस पूरी ब्रांच में, इस पूरी ब्रांच, ब्रांच के एक कॉर्नर पर कितना है, दूसरे कॉर्नर पर, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया, 6 वोल्ट, 6 माइनस के 0, 6, और इन दो पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टेंस और दोनों पैरेलल, दोनों सीरीज में है, सो 2 ओम और 3 ओम, यानी इस ब्रांच में टोटल वोल्टेज तो हो गया 6 और टोटल रेजिस्टेंस हो गया 5। करंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, बताओ कितनी करंट आएगी, 6/5 एम्पियर, यानी इस ब्रांच में जो करंट निकलेगी ना आप लोगों की, मुंद्रम समझ आया, कितनी करंट निकलेगी, 6/5 एम्पियर, जल्दी से बताओ, समझ आया नहीं है। अब इस ब्रांच में आ जाओ, बताओ एक किनारे पर कितना है, दूसरे किनारे पर, ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, ठीक है। करंट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बताओ, 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, क्या आ जाएगा, एम्पियर, बताइए आएगा या नहीं आएगा, क्लियर, कोई परेशानी है किसी को। अब मुझे आप ये बताओ यहां से ऊपर की तरफ कितनी करंट जा रही है, यहां से ऊपर की तरफ इस ब्रांच में कितनी करंट है, 6/5, और इस ब्रांच में कितनी करंट है, तो यहां बैटरी से कितनी करंट निकली है, अगर मैं दोनों करंट को ऐड कर दूं तो ये वाली करंट निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी, क्योंकि ये वाली करंट यहां जाकर दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई है, समझ में आ रही बात। तो बताओ बैटरी के अंदर से जो टोटल करंट निकली है उसकी वैल्यू क्या होगी, 6/5 प्लस 6/100, और पूरा आंसर काहे में आएगा, एम्पियर में, बताइए समझ आया नहीं, कर लीजिए सॉल्व। कितना आएगा बेटा आंसर, कितना है, एम्पियर, 1.26। अच्छा अगर वो ये पूछता कि यहां एक पॉइंट मार्क कर देता वो पी, और यहां एक पॉइंट मार्क कर देता क्यू, पी और क्यू के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस बताओ कितना हुआ, ये बताओ कि इस कॉर्नर पर वोल्टेज कितना है, यहां 6 वोल्ट, करंट कितनी है, यहां कितना वोल्टेज खर्च होगा, करंट की मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस से करनी पड़ेगी, पता चल जाएगा यहां कितना वोल्टेज खर्च हुआ, और 6 वोल्ट में से इसके वोल्टेज को माइनस करेंगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज निकल जाएगा। सिमिलरली यहां कितना वोल्टेज है, 6, ठीक है, यहां कितना वोल्टेज खर्च होगा, कैसे निकालेंगे, करंट की मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस से करेंगे, यहां पता चल जाएगा कितना वोल्टेज खर्च होगा, इसमें से इसके वोल्टेज के खर्च को माइनस करेंगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज निकल जाएगा, और दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकल जाएगा वोल्टेज का, ठीक है, आगे समझ में बढ़े आगे। जो इजी प्रॉब्लम है ना उसे समझ कर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, तो उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी बेटा।
चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास में, देखो ध्यान से, ए पोटेंशियोमीटर ऑफ लॉन्ग वायर इज मोर सेंसिटिव, एक्सप्लेन। यानी ऐसा पोटेंशियोमीटर जिसके अंदर लंबे वायर का यूज करते हैं, जनरली हम पोटेंशियोमीटर के अंदर ना कितनी भी लंबाई का वायर यूज कर सकते हैं। आपने अगर अपनी लैब के अंदर देखा हो तो वहां ऐसे भी पोटेंशियोमीटर मिलेंगे जिसमें दो ही वायर मिलेंगे, ऐसे भी पोटेंशियोमीटर होंगे जिसके अंदर सिंगल वायर होंगे, और ऐसे भी पोटेंशियोमीटर हैं जिसके अंदर कई कई वायर होते हैं, चार चार पांच छह सात तक वायर उसके अंदर होते हैं। तो उसने कहा कि लंबे वायर की जो सेंसिटिविटी है, लंबे वायर यानी ऐसा पोटेंशियोमीटर जिसमें लॉन्ग वायर का यूज करेंगे उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, ऐसा क्यों? अब आप सुनिएगा ध्यान से, पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो 1/k के इक्वल है। k का नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। k का क्या नाम है? अब मुझे एक बात बताना बेटा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को निकालने का तरीका है कैपिटल E अपॉन R प्लस आर एस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसे निकालने का तरीका क्या है? इसे निकालने का तरीका है K इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर एस, यहां होता है R और यहां होता है L, ठीक है? E क्या है? पोटेंशियोमीटर को चलाने के लिए जो बाहर से हम बैटरी लगाते हैं उसे बोलते हैं ड्राइवर सेल। उस ड्राइवर सेल का जो EMF है वो कैपिटल E कहलाता है। वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो उसके अंदर वायर हम लोगों ने लगाया है, कितनी भी लंबाई का वायर हमने लगाया है, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, कैपिटल R है। पोटेंशियोमीटर के साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जो बाहर से हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, उसका रेजिस्टेंस है RS, और वायर की जो लंबाई है वो है L। ये बताओ कि K में और L में कैसा रिलेशन है? अगर लॉन्ग वायर होगा तो L क्या होगा? ज्यादा। और L अगर ज्यादा होगा तो K क्या होगा? और अगर K कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? तो आप ऐसा लिखेंगे, सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, एंड K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। सो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। यानी जितनी ज्यादा लंबाई का वायर, जितनी ज्यादा लंबाई का आप वायर उसमें यूज करेंगे उसकी सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होने वाली है, वो उतना ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट दिखाएगा। समझ में आ रही बात? कर लीजिए नोट डाउन। समझ आ गया ना मैंने क्या लिखा है? E का मतलब है EMF ऑफ ड्राइवर सेल। देखो कुछ ऐसा होता है सर्किट, एक बैटरी तो हम बाहर से लगाते हैं, यहां साथ में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसे बोलते हैं RS, सीरीज रेजिस्टर। ये बैटरी है, इसके EMF को हम बोलते हैं कैपिटल E। यहां एक वायर लगाते हैं, वायर का रेजिस्टेंस होता है R, वायर की लंबाई होती है L। यहां एक बैटरी लगाते हैं जिसका EMF हमें मेजर करना है, साथ में गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी लगाते हैं ऐसे, ठीक है? तो ये तो है अननोन सेल, यह है ड्राइवर सेल, यह है सीरीज रेजिस्टर, यह है वायर की लंबाई और यह है वायर का रेजिस्टेंस। इससे और इससे कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब है ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, जिस सेल का तुम्हें ईएमएफ मेजर करना है उसका ईएमएफ, ठीक है? और ये गैल्वेनोमीटर है, यूज होता है इसका, ये और ये, इन चार टर्म का यूज होता है के निकालने के लिए, और के का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? बोलो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ये दो थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इन्हें, और इनके आंसर भी आपके सामने है, ठीक है? व्हाई डू वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द ईएमएफ देन द वोल्ट मीटर? इसका एक बहुत छोटा सा आंसर ये हो सकता है कि पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो वोल्ट मीटर के कंपेरिजन में ज्यादा है, ठीक है? इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफरेंस देते हैं इन कंपेरिजन टू वोल्ट मीटर। समझ में आ रही बात? सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा होगी? पोटेंशियोमीटर की, इन कंपैरिजन टू, इसीलिए हम हमेशा पोटेंशियोमीटर को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है? समटाइम्स, अरे भाई देखो जरा ध्यान से, समटाइम्स द बैलेंस पॉइंट इन द पोटेंशियोमीटर मे नॉट बी ऑब्टेन ऑन द वायर, एक्सप्लेन। अभी मैंने तुम्हारे सामने जब डायग्राम बनाया था तो मैंने दो बैटरी लगाई थी, ऊपर जो बैटरी लगाई थी उसका नाम क्या था? ड्राइवर सेल। क्या नाम था? और जो नीचे जो छोटा सा सेल लगाया था उसका नाम था अननोन सेल। अगर अननोन सेल का वोल्टेज ड्राइवर सेल के वोल्टेज से क्या हो गया? ज्यादा, तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो पूरे वायर के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। समझ आ रही बात? तो इसका छोटा सा आंसर ये हो सकता है कि पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो वोल्ट मीटर की कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है, इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफरेंस देंगे वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है?
दूसरा क्या है कि पोटेंशियोमीटर एक वर्सेटाइल डिवाइस है। वर्सेटाइल डिवाइस कैसी है, आप इससे कोई भी काम कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से आप किसी सेल के ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं, दो ईएमएफ को कंपेयर भी करा सकते हैं, आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, आप टर्मिनल वोल्टेज भी माप सकते हैं। यानी वोल्ट मीटर तो सिर्फ टर्मिनल वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, यहां से आप कोई भी काम करा सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। समझ में आ रही बात, इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा क्या है, हमें बैलेंसिंग पॉइंट कब नहीं मिलता है, बैलेंसिंग पॉइंट कब नहीं मिलेगा, जब अननोन सेल का ईएमएफ ड्राइवर सेल के ईएमएफ से क्या हो जाएगा, ज्यादा। उस केस में हमें बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई है ना बात, ठीक है, लिख लीजिए आप दोनों को। अननोन सेल का ईएमएफ ड्राइवर सेल के ईएमएफ से ज्यादा होगा। ओके, क्लियर बेटा, कोई परेशानी है तो आप बता दीजिए हमें, अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो क्लियर कर लेना उसे, ठीक है। नहीं, लेकिन कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आप लोगों को ना पता हो, क्लियर होनी चाहिए सभी बातें अच्छे तरीके से, बिल्कुल। ओके प्रियम, क्लियर, क्यों देंगे पोटेंशियोमीटर को प्रेफरेंस, सेंसिटिविटी क्या है उसकी, ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में। दूसरा क्या है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, वो लॉस करता है एनर्जी का काफी ज्यादा, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है यार, देखो कैसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व। दिख रही है आप लोगों को प्रॉब्लम, अरे बोलो भाई कैसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व, देखो जरा ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा सा ना अलग करके बना लो, ठीक है, नहीं मतलब अगर आप हर एक सर्किट को बहुत ध्यान से देखो ना, बहुत ध्यान से, तो बहुत इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आप, बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। हम एक काम करते हैं, ये सर्किट अभी ऐसे है, दिख रहा है ऐसे, हम इस सर्किट को घुमाकर ऐसे कर देते हैं, कर दिया हमने घुमाकर ऐसे, ये ब्रांच यहां पहुंच जाएगी, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बीच वाली को मैं लिखूंगा बाद में, पहले इसे लिख देता हूं यहां पर, ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, और फाइनली मैंने लिख दिया यहां एक रेजिस्टेंस। बेटा बताओ समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो समझ में आया नहीं आया। ये बताओ कितना रेजिस्टेंस है आपके पास में, 5 ओम। पहले क्या है, पॉजिटिव, फिर क्या है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है या नहीं है। इस ब्रांच में बताओ क्या है, कितना है, 5 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, और ये कितना है, 2 ओम। जरा इन्हें दोनों को देखकर बताओ ये सीरीज में है या पैरेलल में है, पैरेलल में है या नहीं है। इसमें पहला टर्मिनल क्या है, दूसरा, इसमें पहला, दूसरा, बताओ पैरेलल है नहीं, और दोनों को पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, क्योंकि दोनों एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। पैरेलल में जोड़ने का तरीका बताइए आप हमें, क्या है पैरेलल में कनेक्ट करने का तरीका। ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12/5 प्लस 5/5 1/5 प्लस 1/5। बेटा बताओ क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ। yes, कोई परेशानी, E1/R1 प्लस E2/R2 1/R1 प्लस 1/R2। 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ये 5 कॉमन एनसीएम लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां से मैंने नहीं दिखाया इसे, ठीक है। ईएमएफ तो आ गया मेरे पास में इतने वोल्ट आ गया। ये दोनों सेल, ये दोनों रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है या नहीं है। तो सर्किट ना मेरे पास में कुछ ऐसा बन गया, पहले लिख लो बाद में लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्किट मेरे पास में ऐसा बन गया, प्लस माइनस यहां का वोल्टेज कितना आ चुका है, 8.5 वोल्ट। 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8.5 आएगा। 5 ओम और 5 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करके देख लेना, 2.5 ओम आएगा। कितने ओम आएगा, 2.5 ओम, और ये कितने ओम है, 2 ओम। जल्दी से बताओ बुद्धि चली या नहीं चली, समझ आ गया, पक्का।
अब बताओ सर्किट में कितने लगे हैं रेजिस्टेंस और कितनी लगी है बैटरी। एक रेजिस्टेंस दो बैटरी, दो रेजिस्टेंस एक बैटरी, दोनों सीरीज में है या नहीं है, या पैरेलल में कहोगे इन्हें, क्योंकि एक ही वायर है पूरा, है ना, एक ही वायर। कैसे निकालोगे करंट की वैल्यू ये बताओ। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, निकलेगा या नहीं निकलेगा, कितना निकलेगा हमें ये बताइए आप। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है बेटा 8.5, और ये बताइए कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4.5, और कितना आंसर आया हमारे पास में 85/45 एम्पियर। बताओ आया या नहीं आया, जल्दी बोलो यार। करंट कहां से निकलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से घूमकर बताओ यहां पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्लियर। अब हम देखना चाहते हैं कि यहां इन दो पॉइंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, इन दो पॉइंट के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, दो पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है, यानी दो ओम में कितना वोल्टेज है, यहां कितना वोल्टेज है, हमें यह देखना है भाई। कैसे निकालेंगे वोल्टेज, करंट कितनी जा रही है यहां 85/45, रेजिस्टेंस कितना है दो, समझ में आ रही बात, हमें निकालना है वोल्टेज इन दो पॉइंट के बीच में। तो वोल्टेज कैसे निकलेगा, करंट की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रेजिस्टेंस से, बताओ करेंगे या नहीं करेंगे, क्या निकलेगा वोल्टेज बताओ आप मुझे, 85/45 × 2, अरे निकलेगा भाई या नहीं निकलेगा, नहीं समझ आया तो पूछ लो भी मुझसे, है मतलब मेरे साथ में ना यहाँ बहुत क्लियरिटी रखना, बिल्कुल मेरे साथ में वो वाला मामला नहीं चलेगा कि हाँ समझ आया आया नहीं, बैठे रहे अपना आराम से, जहां समझ नहीं आया वहां बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। बताओ वोल्टेज निकल जाएगा क्या, क्या निकलेगा वोल्टेज यहां से, ये आएगा 17, ये कितना आएगा 9, 34/9 निकलेगा, 34/9। हम ये कह सकते हैं कि इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, देखो बेटा ध्यान से, इसके अक्रॉस, यहां पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारे पास में वो है 34/9 वोल्ट, यहां इसके अक्रॉस इन दो पॉइंट के बीच में इतना वोल्टेज है। अगर इन दो पॉइंट के बीच में इतना वोल्टेज है ना बेटा, तो इन दो पॉइंट के बीच में भी इतना ही वोल्टेज होगा, इन दो पॉइंट के बीच में भी इतना ही वोल्टेज होगा, बताओ होगा या नहीं होगा। अगर इन दो पॉइंट के बीच में 34/9 वोल्ट है, तो इन दो पॉइंट के बीच में भी इतना ही वोल्ट होगा, और यहां भी इतना ही वोल्ट होगा, जल्दी बताओ, समझ में आया नहीं आया। हमने इस पॉइंट को लेट कर लिया है ए, देखो ध्यान से, इसे माना है ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी। पहले वाली बैटरी से जो करंट निकल रही है वो है I1 कुछ ऐसे, और दूसरे वाली बैटरी से जो करंट निकल रही है वो है I2 कुछ ऐसे, दूसरे वाली बैटरी से जो करंट निकल रही है वो है I2 कुछ इस तरीके से, जल्दी बोलो समझ में आया या नहीं आया। पहले ये बताओ कि करंट कैसे निकाली, क्लियर हो गई बात, कितने निकली है 85/ फिर इसमें हमने वोल्टेज कैसे निकाला, करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज निकल गया, जितना वोल्टेज यहां है उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, समझ में आ रही बात। अब मुझे बताओ कि करंट कौन से, जैसे पहले वाली ब्रांच को देखो, करंट कौन से पॉइंट की तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ, तो हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, करंट जा रही है बी से ए की तरफ, तो हम लिखेंगे वी बी, ठीक है, हम बी वाले पॉइंट से ए की तरफ बढ़ रहे हैं। जब बी से हम ए की तरफ बढ़े, रास्ते में बैटरी पड़ी, बेटा पड़ी रास्ते में बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, तो बैटरी हो रही है डिस्चार्ज, क्या हो रही है, तो ये 12 वोल्ट इसकी ही हेल्प करेगा, डिस्चार्ज में प्लस आता है, डिस्चार्ज में क्या आएगा, समझ में आ रही बात। अब यहां पहुंचे रेजिस्टेंस में, करंट कितनी है, रेजिस्टेंस कितना है, इतना वोल्टेज खर्च हो गया माइनस के 5I1, ठीक है, और पहुंच चुके हैं हम ए पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, बी को ले जाओ उधर, सो 12 माइनस के 5I1 इज इक्वल टू VA माइनस के VB। बताओ इन दो पॉइंट के बीच में इतना है, यस और नो, इन दो पॉइंट के बीच में भी इतना ही होगा, तो बताओ VA माइनस VB कितना हो जाएगा, 34/9 होगा या नहीं होगा। यहां से सॉल्व करो क्या निकल जाएगा, पहली ब्रांच में करंट निकल गई I1 कितनी होगी, नहीं समझ में आया, बोलो दूसरी ब्रांच में निकालोगे तो कैसे निकलेगी, मुझे कहां से कहां चलोगे, करंट की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, कहां से चलोगे, डी टू डी से बढ़ो सी की तरफ, करंट की डायरेक्शन में, जब हम डी से आगे बढ़े तो डी पॉइंट पर क्या बना, जल्दी बताओ डी पॉइंट पर क्या बना, वी डी बना, वी डी। हम डी से आगे बढ़े तो बैटरी आई, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज, हमने क्या लिखा, प्लस 5, यहां क्या आएगा हमारे पास में, माइनस के 5I2, हम कहां पहुंच गए हैं, सी पॉइंट पर,
डी को ले जाओ उधर, तो क्या बना 5 माइनस के 5i2, अगर डी को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा वीसी माइनस के वीडी, बताओ इतना ही होगा या नहीं होगा, किसके इक्वल रखेंगे 34 अपॉन सॉल्व करेंगे i2 निकल जाएगा। ठीक है, बताओ प्रॉब्लम है क्या पार्थ, बताओ कोई समस्या है क्या तुम्हें, मुझसे पूछ लो कोई दिक्कत है तो। अरे बोलो भाई समझ आ गया, नोट करो और अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने आप से। हम इस प्रॉब्लम को किरचॉफ लॉ से भी सॉल्व कर सकते थे, मतलब किरचॉफ लॉ से भी हम इसे बना सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, तो तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है कि तुम किरचॉफ लॉ से कर लो या इससे कर लो। ठीक है, मैं दो तीन सवाल तो तुम्हें इस तरीके से बता दूंगा और दो तीन सवाल तुम्हें किरचॉफ लॉ से बता दूंगा, तो तुम्हारे पास में दोनों मेथड हो जाएंगे, तुम किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पहले एक काम करना है कि पहले सर्किट को सॉल्व करके तुम्हें करंट निकालनी है, सारी बैटरीज को जोड़कर सीरीज पैरेलल में जो भी तुम्हारे पास में है अपना निकाल कर उसके बाद में आपको काम करना है। ठीक है, हो गया बेटा आंसर निकल गया है, क्या आंसर निकला बताओ। ठीक है, और I2 कितना निकला, और उन दोनों को फिर ये देखो कि यहां से निकला है प्लस में आया ना दोनों, I1 यहां से निकला I2 यहां से निकला, उन दोनों को जोड़कर ये आंसर बन रहा है नहीं बन रहा है 85/45। बन रहा है, वो एक ही बात है, वो तो हल्का फुल्का रह जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिसबा समझ आ गया, दोबारा नहीं पूछना है। ठीक है, बड़े आगे भाई, चलो अब अपने आप से सॉल्व करना है इसे, मैंने तरीका तुम्हें बता दिया है। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम इसके जैसी और है, उन्हें भी अभी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। हमें क्या निकालना है यहाँ पर R, ठीक है निकल जाएगा, पहले इसी तरीके की प्रॉब्लम देख लेते हैं, पहले ये वाला सवाल देखते हैं बेटा। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें तो सर्किट डायग्राम को सही करने की जरूरत भी नहीं है, आप एकदम से समझ जाओगे कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है पैरेलल, कितनी ब्रांचेज हैं आपके पास में, एक ब्रांच ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, आपको तीनों ब्रांच में करंट निकालनी है, क्या निकालनी है I1 I2 I3 आपको दिख रहा है, करंट आपको फाइंड आउट करनी है, करें स्टार्ट। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, तो ये बताओ सबसे पहले कि इन तीनों को पैरेलल में जोड़कर क्या बनेगा। मैंने मान लिया कि भाई इन तीनों को पैरेलल में जोड़कर बनेगा ये, इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके ये बनेगा, एक ब्रांच बना दी हमने, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया एक ब्रांच बना दी। ठीक है, वंशिका बताओ ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, वैल्यूज में बताओ मुझे, यहां पर माइनस में आएगा जो वो भी बता देना मुझे। ठीक, प्लस में आएगा ना 2 अपॉन आगे क्लियर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन यहां क्या बनेगा हमारे पास में 1 अपॉन R1, R1 कितना है, R2 कितना है और R3 कितना है, क्लियर, एनी डाउट, पक्का। ठीक है, तो बेटा अब हमारे सामने क्या सिचुएशन आएगी, आप ये देखो एलसीएम कितना आ जाएगा यार, 4 3 3 एलसीएम कितना आ गया 12, और यहां आएगा अपने पास में 6 ही आएगा ना बेटा, यहां कितना आएगा अपने पास में 4, यहां कितना आएगा 16, और यहां भी एलसीएम कितना है 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 प्लस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट 16 और 4 20 और ये हो गया 26 और ये कितना हुआ 11। जल्दी बोलो समझे या नहीं समझे, प्लस में आना आंसर, तो इसका मतलब पहले क्या रहने वाला है प्लस, फिर क्या रहने वाला है माइनस, 26 अपॉन 11 वोल्ट, क्लियर, पक्का, वेरी नाइस। रेजिस्टेंस कितना आएगा ये बताइए आप हमें, तीनों पैरेलल में है
है तीनों पैरेलल में, क्या तरीका है पैरेलल में जोड़ने का, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ठीक है, कितना आएगा बताओ मुझे, 1/4 + 1/3 + 1/3 12/11, ठीक है ना, ये आ गया 12/11। अब मुझे आप एक बात बताओ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और हमने इस पॉइंट को नाम दिया है पी और इस पॉइंट को नाम दिया है क्यू, ये पॉइंट है आर और ये पॉइंट है एस, ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट है एन। थोड़ा बुद्धि से बताना भाई, करंट की डायरेक्शन उसने हमें पहले से दे रखी है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, उसने पहले से हमें गिवन दे रखी है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं मुझे ये बताइए, आपका इतना आ गया, ये बताओ ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना है, बताओ है या नहीं है। अगर रिजल्टेंट वोल्टेज ए और बी के बीच में इतना है तो इन दोनों के बीच भी बिल्कुल इतना ही वोल्टेज होगा, इन दोनों के बीच भी इतना ही वोल्टेज होगा, इन दोनों के बीच भी इतना ही वोल्टेज होगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, क्या रहता है, यहां ए और बी के बीच में 26/11 है और हमने पैरेलल से इसे बनाया है, बनाया है या नहीं बनाया है, तो यहां भी इतना ही रहेगा, यहां भी इतना ही रहेगा, यहां भी इतना ही रहेगा। बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अब मुझे ये बताओ कि पहली ब्रांच में करंट कहां से कहां जा रही है, दे रखी है ना उसने, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, उसने खुद दे दिया भाई, ठीक है, करंट जा रही है ए टू बी, सॉरी पी टू, तो हम भी पी से क्यू की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ो पी से क्यू की तरफ, क्या बनेगा, वी पी, बढ़े वी पी। बताओ सेल चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है, गधो, गधे बच्चे हैं बिल्कुल, डिस्चार्ज हो रही है, करंट कहां एंटर करेगी, पॉजिटिव में, क्या लिखेंगे, -2, डिस्चार्ज चार्ज हो रही है तो वोल्टेज उसमें खर्च हो गया हमारा इतना, यहां करंट पहुंची, करंट कितनी है I1, रेजिस्टेंस कितना है, यहां खर्च हो गया कितना, और हम कहां पहुंचे, Q पर पहुंचे ना, Q पर, Q को इधर लेकर आ जाओ, इन दोनों को उधर ले जाओ, क्या बनेगा, Vp -Vq is equal to, अरे समझ रहे हो, क्या बनेगा, 4I1 +2, इसे और इसे दोनों को उधर ले गए, Q को इधर लेकर आ गए। बताओ Vp -Vq किसके इक्वल है या नहीं है, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे, 26/11 4I1 +2 आएगा, यहां से I1 की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन I1 नेगेटिव आएगा, यहां से क्या आएगा, और I1 के नेगेटिव आने का मतलब यह है कि जो उसने भाई ने हमें डायरेक्शन दे रखी है ना, वो गलत डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन, आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है ना, इस तरफ डायरेक्शन लेकर नेगेटिव में आ रहा है ना, तो करेक्ट डायरेक्शन इस तरफ नहीं होगी, करेक्ट डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, होगी उतनी वैल्यू, डायरेक्शन इस तरफ होगी, नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं आंसर तुम पॉजिटिव में ही लिखो, लेकिन उसने डायरेक्शन तुम्हें दे रखी है ना, तुम वही लिख देना, माइनस में लिख देना आंसर, ठीक है, नहीं वैसे तुम चाहो तो एक पॉइंट वहां मेंशन कर सकते हो कि नेगेटिव साइन इस बात को डिनोट करेगा कि भाई डायरेक्शन हमारी रिवर्स है, इस तरफ नहीं है हमारी डायरेक्शन, तुम भी जानते हो यार इस बात को, तो बहुत छोटी सी बात है, करंट पॉजिटिव से निकलती है, माइनस से पॉजिटिव में एंटर थोड़ी करती है, ठीक है, तो ये कंडीशन होगी, कर लोगे। सिमिलरली सेकंड ब्रांच में रूल लगाना है, सिमिलरली थर्ड ब्रांच में लगाना है, आंसर बन जाएगा हमारा, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। मुझे तो नहीं लगेगा यार पॉजिटिव आएगा, 26/11 पॉजिटिव आएगा, अच्छा हो सकता है कि एक इनमें से डिस्चार्ज हो रही हो और दो को चार्ज कर रही हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं, जैसी आ जाए वैसे ले लेना, पहले वाली तुम्हारी पॉजिटिव आ गई, दूसरे वाली देखो कैसी है, अब अगर पहले वाली पॉजिटिव आ गई तो करंट इसी तरफ जा रही है, तो ये सेल चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, क्या हो रही है, बाकी दो की चेक करना किस तरफ होगी, तो ये भी बता देना कि कौन सी सेल चार्ज हो रही है कौन सी डिस्चार्ज हो रही है। नहीं आया क्या समझ में, निकालो क्वेश्चन आंसर, कुछ समस्या है, कोई दिक्कत है, समझ नहीं आई बात, बेटा अगर मैं टाइम दूंगा ना, देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, रिवीजन बहुत सारे क्वेश्चंस का कराना है, ऐसे ना कोई फायदा नहीं हो पाएगा, फिर आप ऐसा कर लो कि ऑनलाइन एक्सेस ले लो सर से, आप उसमें फिर लिख लिया करो आप उसके अंदर से देख के, क्योंकि अगर मैं टाइम दूंगा तो फिर जो 15 दिन का समय है ना हमारा रिवीजन कराने का, उसमें फिर उतने जितने क्वेश्चंस का मैं रिवीजन चाहता हूं उतने का नहीं हो पाएगा। I2 क्या है, I3 निकालो, I3 क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर I3 नेगेटिव है ना
तो ये वाली सेल डिस्चार्ज हो रही है और ये वाली सेल डिस्चार्ज होकर बाकी दोनों को चार्ज कर रही है, ठीक है। तीनों नेगेटिव आ गई, I3 नेगेटिव आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब वो बस डिस्चार्ज कर रही है और डिस्चार्ज होकर बाकी दोनों को चार्ज कर रही है, क्लियर ना। ओके तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब जितने क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए, PDF हमने आपके पास में सेंड कर दी है, आप अपने आप से उन क्वेश्चन को एक बार देखें, ध्यान से उनका आंसर वांसर प्रॉपरली निकालें, और अगर उनमें किसी में कोई सवाल में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर मुझसे PDF में आंसर कुछ में है कुछ में नहीं है। अगली बार से मैं ऐसा करूंगा, आंसर लिख दूंगा अपने आप अपने हाथ से उससे, ठीक है ना, फिर तुम्हें आसानी रहेगी, ठीक है। तो एक तो हमने ये प्रॉब्लम कराई आपको बेटा, एक प्रॉब्लम ये समझ गए हो ना, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है, और ये तो अभी पावर का सवाल है, ये तो नहीं करा, ये प्रॉब्लम हो गई है हमारी, ये एक ये समझ गए हो, सेंसिटिविटी क्यों ज्यादा होती है, क्यों प्रेफर करते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। एक प्रॉब्लम आपकी ये हो गई है और एक प्रॉब्लम हो गई है आपकी ये वाली, ठीक है। ओके ये इतना हमारा फिनिश हो गया है काम, बाकी काम हम कल की क्लास में करेंगे।